हे मन, तुम सदा अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांचीपुरम, उज्जैन, द्वारिका जैसे तीर्थ स्थलों की यात्रा करने के लिए उत्साहित हो। तुम इन स्थानों का पुनः पुनः भ्रमण, दर्शन, मुक्ति लाभ की आशा से करना चाहते हो। तीर्थ स्थानों का इस प्रकार से भ्रमण केवल भ्रम है, तथा यथार्थ रूप से यह एक प्रकार का निरर्थक परिश्रम है। वास्तविकता यह है कि तीर्थ स्थानों का भ्रमण करने मात्र से मन स्थिर नहीं हो सकता। तीर्थ यात्रा का वास्तविक लाभ वहां निवास करने वाले उन्नत भक्तों का संग करने तथा उनके मार्गदर्शन में सर्वाधिक मनोहर श्री कृष्ण की आराधना करने में है। जहां भी भगवत भक्त वास करते हैं, वह स्थान ही तीर्थ स्थल है। इसलिए हे मन, निरंतर भक्तों के संग द्वारा तुम्हें स्थिर होना चाहिए। मैं उन तीर्थ स्थलों का दर्शन नहीं करना चाहता जहां वैष्णवों का वास ना हो। दूरस्थ स्थानों तक पद यात्रा करने का क्या लाभ? जहां भी वैष्णव वास करे, वह स्थान वृंदावन है। इसलिए व्यक्ति ऐसे स्थान पर असीमित आनंद की अनुभूति कर सकता है। वह स्थान जहां कृष्ण भक्ति का अभ्यास होता है, मुक्ति वहां दासी की भांति निवास करती है, तथा वहां का जल गंगा जल से अभिन्न है, पर्वत गोवर्धन पर्वत से अभिन्न है, भूमि श्री वृंदावन से अभिन्न होती है, तथा भगवान की हल्दनी शक्ति निजी रूप से प्रकट होती है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, हे भाई, तीर्थ स्थलों का भ्रमण करने का क्या लाभ? मेरा एकमात्र व्रत तो वैष्णव सेवा है।